हाय गाइस, आई एम डॉक्टर विनोद पंकज मिश्रा एंड यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। सो डियर फ्रेंड्स, आई एम हियर विथ इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस सेंटेंसेस। दीज आर सम सेंटेंसेस विच आर वेरी कॉमन सेंटेंसेस विच वी यूज इन अवर डेली लाइफ। इसी प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, ये कैसे इनका ट्रांसलेशन करते हैं, आप जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। आज जिन सेंटेंसेस की इंग्लिश आपको बता रहे हैं वो इस प्रकार से हैं, आपकी पसंद कितनी अच्छी है, उसने अपने मोबाइल को साइलेंट में किया, मानो या ना मानो यही कारण है कि वो चाहे जो हो या चाहे कितना कठिन हो दूसरी तरफ। तो देखते हैं एक एक करके। जब किसी भी व्यक्ति की पसंद बहुत अच्छी होती है और आप कहना चाहते हैं, इसको बोलते हैं हाउ नाइस योर चॉइस इज, हाउ नाइस योर चॉइस इज। जब वो मीटिंग में जाने वाला था तो उसने अपने मोबाइल को साइलेंट में किया, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही पुट हिज मोबाइल इन साइलेंट। कभी कभार हम बोलते हैं मानो या ना मानो, तो इसको बोलते हैं बिलीव और नॉट। से और जैसे बोल सकते हैं बिलीव और नॉट इट इज़ ट्रू, मानो या ना मानो यह सच है। बिलीव इट और नॉट आई एम योर वेल विशर, मानो या ना मानो मैं तुम्हारा शिव चिंतक हूँ। कई बार ऐसे बोलते हैं यही कारण है कि, इसको बोलेंगे this is the reason why, वो चाहे जो हो। कई बार इस प्रकार से बोलते हैं कि मैं अपने सिद्धांत नहीं बदलूंगा, वो चाहे जो हो। Whoever, इसको इंग्लिश में बोलेंगे whosoever he may be, यह चाहे कितना कठिन हो। कई बार ऐसा बोलते हैं कि मैं इसे पाके रहूंगा या इसे करके रहूंगा, यह चाहे कितना कठिन हो। However difficult it may be, यह चाहे कितना कठिन हो। दूसरी तरफ तो, कई बार ऐसे बोलते हैं On the other hand, दूसरी तरफ तो। तो ये सेंटेंस जैसे आपकी पसंद कितनी अच्छी है, How nice your choice is, उसने अपना मोबाइल को साइलेंट में किया, He put his mobile in silent, मानो या ना मानो, believe or not, यही कारण है कि this is the reason why, वो चाहे जो हो, whosoever he may be, यह चाहे कितना कठिन हो, however difficult it may be, दूसरी तरफ तो, on the other hand, इसी प्रकार के और सेंटेंस इस प्रकार से हैं, जैसे राज को राज रखो पूरे ब्रह्मांड में, यदि सब कुछ अच्छा रहा, आप बहुत खर्चालू हो, मुझे नींद आ गई, मैं आज रात नहीं आ सकता हूँ, ये हुई ना बात, मुझे मजबूर मत करो। तो राज को राज रखो, इसका मतलब हुआ कीप द सीक्रेट, मतलब रहस्य। कई बार ऐसा बोलते हैं कि उसके इस नेचर जैसा इस पूरे ब्रह्मांड में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में, ऑल ओवर द यूनिवर्स, इसको बोलेंगे ऑल ओवर द यूनिवर्स
यूनिवर्स पूरे ब्रह्मांड में यदि सब कुछ अच्छा रहा, कई बार ऐसा बोलते हैं कि यदि सब कुछ अच्छा रहा तो मैं अवश्य आऊँगा। इफ एवरीथिंग गोज वेल, एवरीथिंग गोज वेल, अ पर्सन हु स्पेंड टू मच, कोई व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा खर्चा करता है, अंधाधुंध खर्च करता है, बिना सोचे समझे खर्च करता है, तो उसको बोलते हैं खर्चालु। तो यदि आप कहते हैं कि आप बहुत खर्चालु हो तो इसको बोलेंगे यू आर वेरी एक्स्ट्रावेगेंट, यू आर वेरी एक्स्ट्रावेगेंट, या स्पेंड थ्रिफ्ट भी कह सकते हैं। मुझे नींद आ गई, कभी कभार आप इतने थके होते हैं कि सभी लोगों के, दो चार लोगों के साथ बैठे होने के बावजूद आप सो जाते हैं, और अचानक जब आपकी नींद खुलती है तो आप बोलते हैं माफ़ करना मुझे नींद आ गई, मुझे नींद आ गई, इसको बोलेंगे आई फेल एस्लीप। जब किसी को कोई किसी प्रोग्राम में नाइट में बुलाता है और वो रात में अच्छा वहाँ पहुँच नहीं सकता है, नहीं जा सकता है, तो बोलते हैं कि मैं आज रात नहीं आ सकता हूँ, तो बोलेंगे आई कांट कम, और आज रात को बोलेंगे टुनाइट, आई कांट कम टुनाइट, मैं आज रात नहीं आ सकता हूँ। जब कोई दूसरे की भलाई की बात करता है, दूसरे की मदद की बात करता है, तो हम कहते हैं ये हुई ना बात, इसको बोलेंगे दैट्स द स्प्रिट। और नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है, जब कोई किसी को ताकत से, बल से, या किसी से किसी चीज़ को करने के लिए बाध्य करना चाहता है तो कहते हैं मुझे मजबूर मत करो, डोंट कंपेल मी। ये भी कुछ सेंटेंस हैं, जैसे राज को राज रखो, कीप द सीक्रेट पूरे ब्रह्मांड में, ऑल ओवर द यूनिवर्स, यदि सब कुछ अच्छा रहा, इफ़ एवरीथिंग गोज वेल, आप बहुत खर्चालु हो, यू आर वेरी एक्स्ट्रावेगेंट, मुझे नींद आ गई, आई फेल एस्लीप, मैं आज रात नहीं आ सकता, आई कांट कम टुनाइट, ये हुई ना बात, दैट्स द स्प्रिट, मुझे मजबूर मत करो, डोंट कंपेल मी। तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार के सेंटेंसेस को आप बार बार पढ़ करके, बार बार सुन करके, या बार बार लिख करके इन सेंटेंसेस को आसानी से यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको इस प्रकार के सेंटेंस पसंद आए होंगे, यदि पसंद आए हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।